जवाब देते हैं, तो उधर का जो सीन है वो कैसा लगता है? तो आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, तो मतलब ऐसा मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है ना है ना, मतलब हाँ वो तो अभी होगी ना, पहले तो नहीं थी ना, तो हाँ तो अभी मतलब बड़ा वाला फील आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ और कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ चीज़ें लाइफ में अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बताइए। जैसे कि आज का इवेंट है जी, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ उन लोगों को, मुझे जितनी भी भारत की महिलाएं हैं, कि आप ना जो भी आपके अंदर टैलेंट है या जो भी आप कर सकती है, उस चीज़ को आपको कभी निराश नहीं करना, सिर्फ आगे बढ़ना है। चाहे आपका कोई भी टैलेंट हो, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, कोई ना कोई टैलेंट आपको लेना है। और दूसरी चीज़ ये है, किसी पर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आप अकेली ही काफ़ी हो बहुत कुछ करने के लिए। देखिए जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती थी और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं भी अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी वो करना है और किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, कि अपने ऊपर डिपेंड रहे, किसी और पर डिपेंड ना रहें। साथ ही सभी को हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक नए प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं अर्चना के कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ बताना चाहिए, कुछ हिंट देना चाहिए। देखो हिंट तो अभी मुझे मना किया गया है, तो मैं कुछ बता नहीं सकती, बट हाँ कुछ जो भी आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है और जल्द ही आने वाला है, और जल्द ही मैं बताऊँ मैं क्या चैनल आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं हर जगह जब स्पॉट होते हैं, सभी एक साथ स्पॉट होते हैं जी, नहीं ऐसा कुछ है मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली मैंने ना बिग बॉस अभी देखना स्टार्ट नहीं किया, बट मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों से प्यार मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है ये, नहीं मतलब सब लोग मुझे बहुत मतलब प्यार कर रहे हैं और बहुत अपना मान रहे हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ये बाहर की जो जर्नी मैं जी रही हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग अलग हो रही है मेरे साथ, कि मैं मतलब मुझे भी शॉकिंग लग रहा है कि मतलब ओ माय गॉड, 4 महीने पहले जब मैं अंदर गई थी तो कोई मुझे जानता नहीं था, 4 महीने बाद में आई हूँ तो लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हो, लोग मुझे इतना जान रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आप जब यहाँ आई रेड कार्पेट पर, आपने बोला कि सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है जी, अब जब लोग आपको सेल्फीज देते हैं जी, कहते हैं कैसा लगता है? अब बहुत बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब पहले क्या होता था कि मतलब बताना पड़ता था, अब मैं मेकअप में हूँ या विदाउट मेकअप हूँ, कैसे भी हूँ, लोग मुझे पहचान लेते हैं और सेल्फी लेते हैं, तो मुझे वो चीज़ जो जो उनका जो प्यार है मेरे लिए, प्योर जो प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, कि मेकअप में हूँ या बिना मेकअप के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको अर्चना जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। मैं बोलना चाहती हूँ भैया अच्छे से चला लो जी। होली पे मैं पुणे जा रही हूँ, मेरा एक इवेंट है पुणे में, तो मैं पुणे जा रही हूँ सेलिब्रेट करने, पुणे की पब्लिक के साथ जी। थैंक यू सो मच।